दिवाली स्पेशल पोहा चूड़ा बनाकर तैयार करेंगे। दिवाली में यह हर किसी के घर में बनता है। इसे बनाएंगे बिल्कुल कम तेल में ताकि ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं 250 ग्राम पोहा ले रही हूँ। तो ये बिल्कुल बारीक वाला पोहा है। मार्केट में दो तरह के पोहे आते हैं, ये बिल्कुल बारीक वाला है और एक थोड़ा मोटा होता है। तो ये देखिए, ये है मोटा वाला और ये जो दूसरा है ये पतला वाला है। तो ये पतले वाले से हम इस चूड़े को बनाएंगे। और ये जो जड़ा वाला पोहा है इससे भी मैं एक चूड़ा बनाकर बताऊंगी, जो आप मेरी अगली रेसिपी में देख सकेंगे। तो अब मैं कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ और इसमें डाल दूंगी पोहा। कढ़ाई में हमें तेल नहीं डालना है, इसे सूखा ही भुनना है। तो गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और चलाते हुए इसे भुनेंगे। तो ये पोहा जो होता है बिल्कुल पतला होता है तो बहुत जल्दी भुन जाता है, तो बस लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में लग सकता है। और यहाँ देखें, 5 मिनट हुआ है इसे भुनते हुए और दिखाती हूँ मैं तोड़ के, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, भुन गया है ये अच्छे से। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। तो इसे निकाल कर फैला देना है, यहाँ निकाल ली हूँ मैं। और अब मैं उसी कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ और इसमें डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को गर्म करने के बाद इसमें डाल दूँगी 1/2 कप मूंगफली के दाने। तो इसे चलाते हुए भून लेना है हमें। तो मूंगफली के दाने जो हैं वो फूटने लगे हैं, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 कप भुना हुआ चना दाल। तो ये चना दाल भुना हुआ रहता है पहले से, लेकिन हम हल्का सा इसे भूनेंगे। तो मैं बाद में इसे डाल रही हूँ और मूंगफली के साथ इसे भी भून ली हूँ। ये देखिए तैयार है, इसे भी निकाल के साइड में रख लूँगी। यहाँ निकाल ली हूँ मैं। और अब मैं फिर से उसी कढ़ाई में डालूँगी 1 चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया है, उसमें डालूँगी 1/2 कप नारियल, इसे पतला पतला काट ली हूँ। नारियल को हल्का सा भून लेंगे पहले। 15 से 20 ले लेंगे बादाम। और काजू ले ली हूँ 15 से 20, इसको भी तोड़ ली हूँ इस तरह से। इन्हें भी हमें नारियल के साथ में ही भून लेना है। तो ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालनी हो इसमें किशमिश, तो किशमिश हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो ये फूल कर फूटने लगता है। तो बस लास्ट में डालेंगे, थोड़ा सा चला कर भुनेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये तैयार है, इसे साइड में रखूँगी। और अब मैं फिर से उसी कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ, उसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो इसमें डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच डालूँगी सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दी हूँ, 3 हरा मिर्च ले ली थी उसे मोटा मोटा काट के डाल दी हूँ, 20 से 25 करी पत्ते डाल दी हूँ। इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट करना है पहले। और अब मैं डालूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच भर के हल्दी। तो हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तभी हमारा जो पोहा है उसमें अच्छा सा कलर आएगा। तो उसे भुनने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें भुना हुआ पोहा और साथ में जो हमने नारियल और सब भून के रखा हुआ था मूंगफली वगैरह उसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। तो मिला ली हूँ यहाँ पर। और अब मैं डाली हूँ इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाली हूँ नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा, 2 छोटा चम्मच भर के डाली हूँ इसमें पिसी हुई चीनी। और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है तो लो फ्लेम पर ही रखेंगे हम गैस को। अच्छे से मिला ली हूँ सभी चीज़ों को और एक बार नमक चेक कर लेंगे। तो यहाँ आप चेक करके जो भी आपको कम लगे वो डाल सकते हैं। तो मैं चेक कर ली हूँ, इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो गैस को बंद कर दी हूँ और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर तैयार है। इसे निकाल लूँगी एक बोल में। इसे ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर महीने भर तक खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।